अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शम्मा मुनीब, जो कि फीटल मेडिसिन की डायरेक्टर हैं साउथ सिटी में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। थैंक यू फॉर कमिंग। आप हमें आज बताइए थोड़ा सा डाउन सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो है कॉमनेस्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है। ये इसमें ये होता है कि एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 होता है। इसकी अहमियत इसलिए है कि इसमें रीजनेबल नंबर ऑफ बेबीज दैट हैव डाउन सिंड्रोम आर बॉर्न अलाइव, और वो एक ख़ास उम्र तक पहुँचते हैं। उनमें कार्डिक डिफेक्ट्स और दूसरी एबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं, वो ज़हनी तौर पर पसमानदा होते हैं। तो दूसरी क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ की बनिस्बत ट्राइसोमी 13 और 18 के हिसाब से डाउन सिंड्रोम ज़्यादा रेलेवेंट है, और इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है कि उसकी स्क्रीनिंग हो सके ताकि हम पेरेंट्स को बता सकें। ओके, इफ़ अ पर्सन इज़ प्रेग्नेंट, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसे डायग्नोज कैसे किया जाएगा? देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे पास अब स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ भी हैं, लेकिन जो एक एज ओल्ड स्क्रीनिंग मोडालिटी है वो बाय मैटरनल एज है, क्योंकि जितनी भी ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज़ हैं 13, 18 and 21 दे इंक्रीज विद एडवांस मैटरनल एज, विच इज़ मैटरनल एज 35 एंड अबव। तो लिहाजा सबसे पहले तो जब प्रेगनेंट पेशेंट आती है तो हम उनसे एज ही पूछते हैं, ठीक है ना, और उनसे फिर हम मालूमात कर सकते हैं कि उनकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है डाउन्स की, क्योंकि अगर किसी की प्रीवियस हिस्ट्री है डाउन्स की तो उसकी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में भी हायर रिस्क है। प्लस ये कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज मालूम करते हैं। ये तो हिस्ट्री से स्क्रीनिंग होती है। जो अल्ट्रासाउंड है वो हम लोग ऑफर करते हैं 11 to 13 weeks and 6 days पे, इसको एंटी स्कैन या न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन कहते हैं। ये स्कैन जो है, जब से ये इंट्रोड्यूस हुआ इन द अर्ली 1990s, इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज द स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ डाउन सिंड्रोम। ये इसकी प्रेमिस ये है कि बच्चे की जो बच्चे डांस वाले हैं उनकी गर्दन जो है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है और उसमें फ्लूइड ज़्यादा होता है, तो अल्ट्रासाउंड में आप फ्लूइड जो होता है वो मेजर करते हैं, बच्चे का साइज मेजर करते हैं और मैटरनल एज के साथ अपनी सॉफ्टवेयर में डालते हैं, तो वो एक रिस्क जेनरेट करता है। जो रिस्क अगर 1 in 300 के अंदर अंदर होता है तो वो हाई रिस्क क्लास्ड होता है, और अगर वो रिस्क हमें पास 1 in 300 से अबव है तो हम उनको लो रिस्क कैटेगरी में डाल देते हैं, फिर उनका 20 weeks पे स्कैन करते हैं। अगर कोई हाई रिस्क हो तो फिर हम उनसे एमनियोसिंथेसिस के बारे में मालूम करते हैं, उनकी विशेष के बारे में मालूम करते हैं, और एमनियोसिंथेसिस जो है वो डेफिनेटिव टेस्ट है, यानी डायग्नोसिस हम एमनियोसिंथेसिस से ही कर सकते हैं। एमनियोसिंथेसिस जो है जनरली वो 16 weeks पे होता है, और अगर हम CVS से मालूम करना चाहेंगे, अगर कोई पेरेंट्स कहेंगे बाबा हम क्या 4 हफ्ते वेट करेंगे, तो हम उनकी डायग्नोसिस 12 weeks पे कोरियोनिक विलस सैंपलिंग से भी कर सकते हैं, जिसमें हम जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं वैसे ही करते हैं, और एक फाइन नीडल प्लेसेंटा में डाल के और उसकी पीस लेके लैब में टेस्ट करने भेज देते हैं, तो उससे हमें मालूम हो जाता है 12 weeks ऑनवर्ड्स और 16 weeks पे एमनियो। बोथ दीज प्रोसीजर्स आर सेफ बट दे कैरी अ रिस्क ऑफ मिसकैरेज ऑफ 1%। राइट, तो आप कुछ और बताना चाहेंगे जो नॉर्मल लोगों को इस तरह नहीं पता हो बिसाइड्स डॉक्टर्स ऑब्वियसली, कि डाउन सिंड्रोम के बारे में या कुछ और, ताकि लोगों को भी इस बारे में अवेयरनेस आ जाए थोड़ी बहुत? मेरा ये ख्याल है कि जितने भी केयर प्रोवाइडर्स हैं और पेशेंट्स देमसेल्व्स, अगर उनकी एज 35 एंड अबव है तो सबसे पहला काम तो उनको ये करना चाहिए कि जैसे ही प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है अल्ट्रासाउंड करा लें, प्रेगनेंसी का दौरानिए का पता चल जाए तो वो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, और जो नियरेस्ट फीटल मेडिसिन सेंटर है उससे रुजू करें, और हम लोग जो हैं स्कैन भी करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि डाउन सिंड्रोम के लिए स्कैन से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस ओपिनियन के भी होते हैं कि अल्लाह ताला ने जो भी दिया है हम ले लेंगे और हम कोई टर्मिनेशन नहीं कराएंगे। तो अगर कोई इस तरह के पेरेंट्स का कोई इस तरह का व्यू है तो भी हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और फिर उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए फर्दर टेस्टिंग नहीं होती। लेकिन जनरली व्हाट मोस्ट पीपल अग्री इज़ कि चले एंटी स्कैन तो कर ही दें, क्योंकि उसमें बच्चे में एबनॉर्मैलिटीज़ भी पता चल जाती हैं,
इट हेल्प्स देम टू डिसाइड फर्दर इन प्रेगनेंसी, फिर वो इन्वेसिव कराएं या ना कराएं। सो बेसिकली हिस्ट्री की बुनियाद पे अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है और ये बतलाने की ज़रूरत है कि जितनी अर्ली आप बुक होंगे उतनी रोबस्ट टेस्टिंग या स्क्रीनिंग और मोडालिटीज़ हैं। फिर ये कि कुछ लोगों को हम एक और टेस्ट भी ऑफर करते हैं जो कि कहलाता है नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग, अगर कोई इन्वेसिव टेस्टिंग के लिए राजी ना हो। उसमें मेटर्नल ब्लड होता है 10 वीक से ऑनवर्ड्स लेते हैं और वो टेस्ट होने के लिए बाहर जाता है, उससे भी क्रोमोसोम्स पता चल जाते हैं एंड दैट इज़ 99% एक्यूरेट। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हमें और जिन्हें नहीं पता उन्हें भी बहुत चीज़ें पता चल गई हैं डाउन सिंड्रोम और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन सब चीज़ों के बारे में। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी।